पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अवतल गोलीय दर्पण के अपवर्तन का सूत्र जो कक्षा 12 प्रकाश चैप्टर से है। कक्षा 12 प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन गोली पृष्ठ से हम लोग अपवर्तन का सूत्र देख लिए थे और उसमें गोली दर्पण का चिन्ह परिपाटी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी को भी हम लोगों ने देख लिया था। आज देखेंगे उत्तल गोली दर्पण के अपवर्तन का सूत्र, उत्तल गोली दर्पण गोली पृष्ठ, उत्तल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। उत्तल गोली पृष्ठ दर्पण नहीं कहेगा क्योंकि दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है। उत्तल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, उत्तल गोली दर्पण के गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। सॉरी, अब इसके लिए सबसे पहले फिगर को हमको बनाना पड़ेगा। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिगर अगर आपका सही बनेगा, फिगर सही बनेगा तो आपका डायरेक्शन अपने आप से ही सही होने लगेगा। तो उत्तल गोली दर्पण के अपवर्तन का, उत्तल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का जो सूत्र निकालेंगे, सबसे पहले उत्तल गोली पृष्ठ का हम लोग फिगर बनाएंगे इस तरह से। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ध्रुव होता है, गोली पृष्ठ का ध्रुव होता है। इधर इसका वक्रता केंद्र होगा, सी होगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो होती है मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष होगी, मुख्य अक्ष होगी। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर जो गोली पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ जो है, उत्तल पृष्ठ पे हम लोग क्या करेंगे, सी से इसके ऊपर अभिलंब डाल देंगे। ये अभिलंब हो गया। ये जो मीडियम है, एयर होता है, इसको हम लोग N1 मानेंगे, इसको मानेंगे N2। ये एयर है, ये होता है ग्लास, ग्लास होता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, मानिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे O है। ऑब्जेक्ट को जहां तक हो सके थोड़ा सा करीब ही लेना ध्रुव के, ध्रुव के जब करीब रहेगा फिगर हमारा साफ बनेगा। यहां से देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है, जो प्रकाश की किरणें चलती है हमेशा ऑब्जेक्ट से ही चलती है। तो एक किरण यहां से जाएगी, इस तरह से जाएगी, यानी कि मुख्य अक्ष के थ्रू जाएगी। दूसरी किरण जो होगी ये बिंदु M पर आपतित होगी, बिंदु M पर ये आपतित होगी, बिंदु M पर आपतित होगी, इस तरह से बिंदु M पर आपतित होगी। क्योंकि जो प्रकाश है विरल माध्यम से कहां जा रहा है, सघन माध्यम में। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है कि इसको जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये क्या होगी, थोड़ा सा अविलंब की तरफ क्या होगी, झुकेगी, थोड़ा सा अविलंब की तरफ झुकेगी। तो इस फिगर को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम लोग इमेज को ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं इमेज आई पे बनेगा। जब इमेज आई पे बनेगा तो हम लोग स्केल से क्या करेंगे, यम को और इस आई पॉइंट को स्केल से डॉटेड मिला देंगे, स्केल से यम और इसको, यम को और आई को डॉटेड मिलाएंगे। क्योंकि ये जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेजनरी होगा, आभासी होगा, ऐसे जाएगा। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, सीधा लाइन बना देंगे, से इसी के थ्रू जाएगा, यानी आईएम के थ्रू सीधा लाइन हम लोग बढ़ा देंगे इस तरह से। यहां देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपतित किरण गई, जब आपतित किरण जब गई सघन माध्यम में, जब गई सॉरी, जब विरल से सघन में गई, विरल से सघन में गई तो अविलंब की तरफ थोड़ा सा क्या हो गई, झुक गई। इसको देखो, इसका सीधा रास्ता तो यह है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गई, झुक गई। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होता है ये होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण होता है आपतित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ये जो कोण होगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा ये हो जाएगा आपका आई, और ये जो आपका ये वाला जो कोण होगा, देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है इस तरह से, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, दोनों बराबर है, ये भी कोण हो जाएगा आर।
ये हो जाएगा आपका आर, एम बिंदु हम लोग बना देते हैं यहां पे, ये हो जाएगा आर, ये वाला एंगल हो जाएगा आर हो जाएगा। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं अल्फा, इस एंगल को मान लेते हैं बीटा, इस एंगल को मान लेते हैं गामा। अब अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा गामा हम लोग कहीं भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे हम माने अल्फा यहां माने हैं आप भी अल्फा ही लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। आप यहां बीटा मान सकते हो, आप यहां गामा मान सकते हो, अल्फा यहां मान सकते हो, बीटा यहां मान सकते हो, जैसे चाहो आप वैसे मान सकते हैं। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे यहां पे, अब तो फिगर आपका हो गया। अब इसके लिए आपको क्या करना है, स्नेल का नियम लगाना है, जो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े थे स्नेल का नियम पढ़े थे। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम हम लोग पढ़े थे, स्नेल का नियम था एक और दूसरा नियम एक और था, तो पीछे की वीडियो में हम लोग बता चुके हैं ना। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पे अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे स्नेल के नियम से। और एक चीज यहां पे और ध्यान देना है कि जो कुछ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा किए हैं, जो कुछ भी ड्रा किए हुए हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, उसको डिटेल, उसको उसका डिटेल यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे। जैसे क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये गोली पृष्ठ है, ये और उत्तल गोली पृष्ठ है, और इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका अविलंब है, सीएम क्या है अविलंब है, ओ ऑब्जेक्ट है, आई इमेज है, इमेज कैसा इमेजनरी होगा, इमेजनरी क्यों होगा, क्योंकि अपवर्तित किरण और जो ये किरण मुख्य अक्ष के थ्रू जो किरण जा रही है, ये दोनों किरणें आपस में इधर जा करके फैल रही है, इनका निश्चित इमेज इधर फॉर्म नहीं होगा, तो इसका इमेज कहां फॉर्म होगा, पीछे मुख्य अक्ष को जहां पे कट करेगा वहीं पे उसका इमेज क्या होगा, ओ का इमेज वहीं पे फॉर्म होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, भाषा में थोड़ा सा चार लाइन लिख देंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, स्नेल के नियम से देखो, स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल हो जाएगा। अब देखो जो रेज है, किरण है, आपकी किरण है, ये माध्यम वन से माध्यम टू में जा रही है, इसलिए हम लोग लिखेंगे माध्यम वन से जा रही है माध्यम टू में, वन एन टू, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं एन टू अपॉन एन वन, वो एन टू अपॉन एन वन हो जाएगा। अब यदि क्या हो जाए, यदि आई व आर बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो, छोटे हो मतलब क्या हो, आई व आर लगभग लगभग जीरो के बराबर हो, तो जब जीरो के बराबर होगा साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे साइन जीरो का मान कितना हो जाता है जीरो। जैसे साइन जीरो का मान जीरो होता है, उसी तरह अगर मान लीजिए कोई ऐसा एंगल है जो जीरो के बहुत करीब है, जब जीरो के बहुत करीब होगा तो मान लीजिए जीरो के बहुत करीब, मान लीजिए कोई संख्या कोई अंक है एक्स है, जीरो के बहुत करीब है, तो साइन जीरो का मान जीरो, साइन एक्स का मान कितना होगा एक्स होगा। तो इसी तरह साइन आई का मान कितना हो जाएगा आई, और साइन आर का मान कितना हो जाएगा आर, आई अपान कितना हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एन टू अपान एन वन, इसका है इसका है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एन वन आई बराबर हो जाएगा एन टू आर, इक्वेशन नंबर हम लोग बना देंगे वन। चलो ठीक है, अब इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। पिछले वाले वीडियो हम बता चुके हैं आपको, जो बताया गया था कि किसी ट्रायंगल में क्या होता है, जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण बाहर वाला जो कोण होता है, एक्सटेरियर एंगल होता है, जो ये बहिष्कोण होता है, ये इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए त्रिभुज अगर त्रिभुज एम आई सी ले रहे हैं, एम एम आई सी, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला यानी आर, ये वाला जो एंगल है, इस कोण और इस कोण के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल त्रिभुज एम आई सी में, त्रिभुज एम आई सी में, त्रिभुज एम आई सी में क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर बहिष्कोण, बहिष्कोण आर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू बना देंगे हम लोग। इसी तरह त्रिभुज एम ओ सी में, इसी प्रकार त्रिभुज एम ओ सी, त्रिभुज एम ओ सी में, अब देखिए ये वाला कोण बहिष्कोण होगा, इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा, बहिष्कोण होगा, इसलिए आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा होगा, इक्वेशन नंबर तीन बना लेंगे इसको, यहां तक तो समझ में आया। अब आगे हम लोग देखते हैं आई और आर का मान, इक्वेशन वन में रखेंगे,
हम इक्वेशन वन से नहीं समीकरण वन से क्या हो जाएगा, आई और आर का मान इसमें हम लोग लेते रह देंगे, तो हो जाएगा आई की जगह हम लोग लिख देंगे एन एम वन इंटू आई का हो जाएगा बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा आर एन टू आर की जगह लिख देंगे हम लोग अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो एन एम वन बीटा प्लस एन एम वन गामा N1 गामा हो जाएगा। अब हम लोग गामा वाले को इधर रखेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो N1 बीटा माइनस इधर आएगा N2 अल्फा इक्वल हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे N2 गामा माइनस हो जाएगा N1 गामा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, गामा को कॉमन ले लेंगे, तो N2 माइनस N1 इंटू कितना हो जाएगा गामा, इक्वेशन नंबर इसको 4 बना देंगे। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अगर क्या यहां पे एक चीज एज्यूम करते हैं, हम लोग मानते हैं एक चीज को मान लेते हैं कि अगर क्या हो इसका जो द्वारक है, द्वारक अगर बहुत छोटा हो, द्वारक बहुत छोटा अगर होगा तो ये जो पॉइंट आप देखो यहां से एक काम हम लोग भूल गए हैं, यहां से इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, लंब डाल देंगे एन। अगर क्या होगा द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो ये जो पॉइंट होगा और इधर आ जाएगा, ये जो पॉइंट होगा और इधर आएगा, तो यहां से हम लोग लंब डालेंगे, इसके ऊपर लंब डालेंगे, तो ये वाला और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, जितना छोटा होगा इसका ये द्वारक जितना छोटा होता जाएगा एन पॉइंट बहुत करीब आता जाएगा, यानी या पी और एन एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। इसलिए जो दूरी हम लोग एन से मापना था वो दूरी को कहां से मापेंगे, पी से मापेंगे, पी से नहीं। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं यदि क्या है, यदि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, यह गोली पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, एन और पी संपाती होंगे, तो एन व पी लगभग संपाती होंगे। जब संपाती होंगे तो जो दूरी हमको यहां मापना था वो दूरी हम लोग कहां से मापेंगे, पी से, क्योंकि हम लोग नियम में पढ़ चुके हैं कि सभी दूरियों को पी से मापते हैं। छोटा होने के कारण तथा क्या हो जाएगा, तथा अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे, तथा अल्फा बीटा गामा गामा भी बहुत छोटे होंगे। जब ये बहुत छोटे होंगे तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा, जैसे टेन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है तो अगर कोई भी वैल्यू, कोण का कोई भी वैल्यू अगर जीरो के बहुत करीब है, लगभग जीरो है, तो टेन उस एंगल का मान बराबर वही एंगल हो जाएगा, जैसे टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स, ऐसे ही अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा अल्फा, टेन बीटा बराबर हो जाएगा बीटा, टेन गामा बराबर हो जाएगा गामा। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, टेन अल्फा होगा, टेन अल्फा का मान कितना हो जाएगा, टेन अल्फा का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब माने एम एन बटे आधार, आधार माने कितना हो जाएगा आई एम बटे आई एन बराबर एम एन को हम लोग लिख देंगे एच, क्योंकि इसको हम लोग मान लिए हैं एच माने हैं, और आई एन को हम लोग लिख देंगे आई पी, क्यों, क्योंकि एन लगभग इसके ऊपर है, ये हो जाएगा आई पी बराबर एच अपान। अब जो आई पी है, वो आई पी क्या है, इमेज की दूरी है, कहां से, ध्रुव से, इमेज की दूरी को हम लोग लिखते हैं वी, और वी लिखते हैं क्योंकि हम लोग आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आपतित किरण इधर जा रही है, हम इसके विपरीत में जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो चिन्ह होगा माइनस होगा, तो माइनस वी, तो बराबर हो जाएगा माइनस एच अपान वी, क्लियर।
उसके बाद देखेंगे बीटा बराबर, तथा बीटा बराबर हो जाएगा टेन बीटा, टेन बीटा मतलब टेन बीटा होगा तो टेन बीटा हो जाएगा एच बटा ओएन बराबर हो जाएगा एच बटा ओएन बराबर एच बटा ओपी, ओपी हो जाएगा एन से यहां ओपी बराबर एच बटा। अब ओपी ओपी को हम लोग लिख देंगे, देखो ये वस्तु की दूरी है ध्रुव से, इसको लिखेंगे माइनस यू बराबर हो जाएगा माइनस एच अपान यू। इसी तरह देखो क्या करेंगे हम, गामा बराबर हो जाएगा, गामा बराबर टेन गाम बराबर देखो टेन गामा बराबर हो जाएगा एच अपान एनसी, एच अपान एनसी बराबर एच अपान एनसी को लिखेंगे हम लोग पीसी, पीसी बराबर पीसी को लिखेंगे आर, एच अपान आर, आर की जो डिस्टेंस लेंगे, आर की जो दूरी लेंगे ध्रुव से, और धनात्मक लेंगे क्यों, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में दूरी माप रहे, ध्रुव से आपतित किरण की दिशा में दूरी माप रहे, इसलिए हम लोग धनात्मक लेंगे। अब अल्फा बीटा गामा का मान हम लोग ला देते समीकरण चार में रह देंगे, समीकरण चार से, समीकरण चार से आपको मिल जाता है एनमन बीटा, एनमन बीटा का वैल्यू कर दो आप माइनस एच अपान यू, एच अपान यू माइनस एन टू अल्फा, माइनस एन टू अल्फा का मान हम लोग कर देंगे माइनस एच अपान वी, समझ आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां पे एन टू माइनस एन वन इंटू गामा बराबर एन टू माइनस एन वन इंटू गामा, गामा का वैल्यू क्या है एच अपान आर। अब देखिए एच 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 कैंसिल हो जाएगा, जब एच 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 कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा माइनस एन वन अपान यू, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एन टू अपान वी बराबर एन टू माइनस एन वन, और यहां पे एच 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 कैंसिल हो गया बटे कितना जाएगा आर, इसको लिख दो या एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू बराबर हो जाएगा एन टू माइनस एन वन अपान आर। ये आपका इसके गोलीय उत्तर पृष्ठीय अपवर्तन का ये सूत्र है। अब इसको देखिए काम हम लोग और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां पे एन टू से हम लोग इसको डिवाइड कर दें, एन टू से भाग देने पर, भाग देने पर जब एन टू से हम लोग क्या करेंगे, एन टू से जब इसमें भाग देंगे तो देखो एन टू सॉरी 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 एन टू से नहीं एन वन से, एन वन से हम लोग भाग देंगे तो यहां हो जाएगा एन टू अपान एन वन, यहाँ एन वन अपान एन वन कट हो जाएगा, यहाँ एन टू अपान एन टू सॉरी एन टू अपान एन वन, और यहाँ एन वन अपान एन वन क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख देंगे एन टू अपान एन वन अपान कितना हो जाएगा वी माइनस एन वन अपान एन वन क्या हो जाएगा कट जाएगा अपान वी हो जाएगा यू हो जाएगा बराबर यहाँ पे भी एन टू अपान एन वन माइनस वन अपान कितना हो जाएगा आर, बस समझ आ रहा है। अब एन टू अपान एन वन को हम लोग क्या कर सकते हैं एन लिख सकते हैं, या वन एन टू वन एन टू लिख सकते हैं अथवा एन खाली हम लोग लिख सकते हैं एन, मतलब क्या हो गया कि एयर के साथ में ग्लास का ये क्या है अपवर्तनांक है, अपान हो जाएगा वी माइनस वन अपान यू बराबर एन माइनस वन अपान आर। ये आपका गोलीय उत्तल पृष्ठीय अपवर्तन का सूत्र निकला, और ये जो सूत्र है दोनों अवतल पृष्ठीय अपवर्तन का सूत्र अथवा उत्तल पृष्ठीय अपवर्तन का सूत्र दोनों ही क्या होते हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है आगे मिलते हैं फिर।